बैटरीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पावर हाउस, जिस तरह से एक आईसी इंजन वाली कार का पावर सोर्स उसके टैंक में स्टोर्ड फ्यूल होता है, वैसे ही एक बैटरी इलेक्ट्रिक कार का पावर सोर्स उसकी बैटरी में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है। ये बैटरीज अपने अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखती हैं और जरूरत के समय उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सप्लाई करती हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसी फिनोमिना का यूज करके इलेक्ट्रिक मोटर को बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है। करंटली मार्केट में बहुत सारी बैटरी केमिस्ट्रीज अवेलेबल हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मोस्टली लिथियम आयन सेल्स का प्रयोग किया जाता है। statistica.com के एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2010 में लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड सिर्फ 0.5 गीगावाट आर तक थी, जो सन 2020 में बढ़कर 526 गीगावाट आर पहुंच गई। और फ्यूचर में ये डिमांड एक्सपोनेंशियली ग्रो करके सन 2030 तक 9300 गीगावाट आर पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लिथियम आयन बैटरीज के बारे में और डिस्कस करेंगे उनकी ऐसी कुछ खास बातें जो उन्हें अदर बैटरी केमिस्ट्रीज से बेटर बनाती हैं। एक लिथियम आयन बैटरी की सबसे बड़ी खासियत होती है इसका मेंटेनेंस फ्री होना, यानी कि इन बैटरीज को किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। इन बैटरीज से किसी भी टाइप का केमिकल रिलीज नहीं होता और लेड एसिड बैटरीज की तरह इनमें टाइम टू टाइम पानी रिफिल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और ना ही इनको निकल कैडमियम बैटरीज के जैसे हर 19 डेज के इंटरवल पे कम्प्लीटली डिस्चार्ज करना पड़ता है। इन बैटरीज की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है इनकी हाई एनर्जी डेंसिटी, जो करंटली 300 वॉट आर पर केजी तक पहुंच चुकी है, जो कि इनके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि लेड एसिड बैटरी और निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी से काफ़ी ज़्यादा है। पावर डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये बैटरीज ईजिली और जल्दी चार्ज हो जाती हैं और एक गाड़ी को ज़्यादा रेंज भी प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ ही इन बैटरीज का पावर टू वेट रेशियो और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा होता है, जिनके कारण ये कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं और इनका वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिससे गाड़ी में ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और इनके वजन के कारण गाड़ी पे एक्स्ट्रा लोड भी नहीं पड़ता। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की कैपेसिटी जब उसके टोटल कैपेसिटी के सिर्फ 80% तक रह जाती है तो इसे उस बैटरी का एंड ऑफ लाइफ माना जाता है, और इस टोटल लाइफ साइकिल के दौरान वो जितने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल से गुजरती है वो उसके चार्ज साइकिल कहलाते हैं। और एक लिथियम आयन बैटरी की लाइफ साइकिल 500 से लेकर 2000 चार्ज साइकिल्स तक हो सकती है। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि आपके घर में पड़ी बैटरीज यूज ना होने पे भी डिस्चार्ज होती रहती हैं। इस फिनोमिना को बैटरीज का सेल्फ डिस्चार्ज कहा जाता है। और अगर बात करें लिथियम आयन बैटरीज के सेल्फ डिस्चार्ज के बारे में तो ये सिर्फ 0.5% पर मंथ होता है, जबकि लेड एसिड और निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज का सेल्फ डिस्चार्ज काफी ज्यादा होता है, और निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज का सेल्फ डिस्चार्ज तो 30% मंथली तक भी हो सकता है। लिथियम आयन बैटरीज का वोल्टेज भी निकल कैडमियम बैटरीज और लेड एसिड बैटरीज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन बैटरीज की परफॉर्मेंस बाकी बैटरियों से अच्छी होती हैं और ये ज़्यादा करंट और वोल्टेज डिलीवर कर पाती हैं। अगर बात करें बैटरीज से होने वाले इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की तो इसमें भी लिथियम आयन बैटरीज बाकी बैटरीज के कंपैरिजन में बेटर हैं, क्योंकि इनमें लेड और क्रोमियम जैसे हार्मफुल एलिमेंट्स नहीं पाए जाते। अब तक तो हमने देखा लिथियम आयन बैटरीज के एडवांटेजेस के बारे में, लेकिन इन बैटरीज की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनकी वजह से ये डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पा रही हैं। इन बैटरीज की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इनकी हाई कॉस्ट, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक कार की ओवरऑल प्राइस को काफी ज्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में लिथियम आयन बैटरीज के कॉस्ट में काफी ज्यादा गिरावट आई है, जो कि सन 2010 के अराउंड $500 पर किलोवाट से घटकर 2020 के अराउंड $200 पर किलोवाट तक पहुंच गया। इन बैटरीज का दूसरा डिसएडवांटेज है इनका रिलेटिवली अनसेफ होना। अगर इन बैटरीज को प्रॉपरली चार्ज ना किया जाए तो इन बैटरीज में आग भी लग सकती है, लेकिन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से इस रिस्क को काफी हद तक घटाया जा सकता है। इन बैटरीज का तीसरा और आखिरी डिसएडवांटेज है इन बैटरीज की रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज का डेवलप ना होना, जहाँ पे लेड एसिड बैटरीज की रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज काफी डेवलप्ड है और इन बैटरीज में यूज होने वाले मेटल्स को 90% तक रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज की रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज अभी उतनी ज्यादा ग्रो नहीं हो पाई हैं। लेकिन इस फील्ड में लगातार रिसर्च चल रहा है और होपफुली हम फ्यूचर में
लीडियम आयन बैटरीज को भी कंप्लीटली रिसाइकल कर पाएंगे। तो ये थे लीडियम आयन बैटरीज के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।